नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आप इस सब्ज़ी के बारे में तो जानते हो, मगर आप ये क्या जानते हो कि जो आप सब्ज़ी खा रहे हो वो नेचुरल है कि टीके वाली है। दोस्तों शहरों के अंदर क्या होता है कि जो हमारे मंडियों में मिलती है वो ज़्यादातर क्या होती है कि उसके अंदर क्या होता है कि उसकी बेल को टीका लगा दिया जाता है, जिसके कारण वो उसका जो टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। और उसमें क्या होता है कि और उससे जब भी हम उसका सेवन करते हैं तो उसका सेवन करने से हमारे शरीर में बहुत बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप तोरी खाने के इच्छुक हो और आप स्वादिष्ट तोरी खाना चाहते हो तो आप हिमाचल में आए, पहाड़ों में आए, किसी भी पहाड़ी स्टेट में, तो वहाँ पर देखोगे आप, वहाँ पर ये सारी सब्ज़ी जो होती है हमारे सीजन की होती है। तो सीजन के हिसाब से क्या होता है कि हम सीजन में जैसे महीना 2 महीने इसका सीज़न होता है, बरसात का सीज़न होता है, तो बरसात में ये सब्ज़ी होती है। और ये देख रही है तोरी नेचुरल तोरी है, इसमें कोई टीका नहीं लगा रखा है, मगर इसको आप बिना मसाले से भी अगर तड़का लगा दें तो इसका जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा होता है और इसको आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। तो दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि आप कुछ भी खाएँ तो नेचुरल खाएँ, जिससे आपकी सेहत भी फिट रहे और आपको कोई बीमारी भी ना हो। तो ये तो आपने देखा ये तोरी है, तो ये तोरी कितनी बड़ी बड़ी है। आप देखते हैं जो शहरों के अंदर तोरी होती है उसका रंग जो होता है काला होता है, ऐसे देखने में जैसे ये दिख रही है ऐसी तोरी नहीं होगी वो, उसका थोड़ा सा या तो इससे छोटी होगी या तो उसका रंग जो होता है काला होता है। और आप इसको जब छीलोगे तो इससे महक आती है, महक का खुशबू जो होती है इसकी, ये नेचुरल होती है क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं हमारे पहाड़ों के अंदर नेचुरल होती हैं। और मैं ज़्यादातर नेचुरल चीज़ों के बारे में बताता हूँ क्योंकि मैं भी पहाड़ों का रहने वाला हूँ, कि लोग इन चीज़ों का सेवन करें जिससे उनको कोई भी बीमारी ना हो। तो ये तो थी तोरी। अब मैं आपको तोरी की बेल भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये जो बेल आपको दिख रही है लता, देखा आपने पेड़ के ऊपर भरी पड़ी है, तो ये जो लता है, ये जो बेल है इसके, ये तोरी की बेल है, आप देख सकते हैं इसमें तोरी भी लगी हुई है। तो तोरी की बेल ऐसी होती है, नीचे देखोगे इसमें कोई वो नहीं है, यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं और ये पूरा पेड़ भर जाता है। तो मैंने इनको सभी को यहीं से तोड़ा है। तो अगर आप ये नेचुरल चीज़ें खाना चाहते हैं तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि वहाँ पर कोई टीका ना लगाए और कोई खाद ना डालें, क्योंकि यूरिया वगैरह डालने से इसके जो पौष्टिकता होती है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। हम ये नेचुरल चीज़ें खाते हैं मगर नेचुरल चीज़ होती नहीं है। ये एक मन को समझाने वाली बात हो कि हम बढ़िया चीज़ खा रहे हैं, मगर आपको ये पता नहीं कि वो पैदा कैसे होती है। यहाँ पर जो चीज़ें पैदा होती हैं वो नेचुरल होती हैं। आप देख सकते हैं कितनी लताएं हैं, पूरा पेड़ भरा पड़ा है, लता लगी है, मगर इसके ऊपर जो चीज़ नेचुरल है ये तोरी की बेल है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपको इससे भी अच्छी से अच्छी नेचुरल चीज़ों के बारे में बताऊँगा। जय हिंद, जय भारत।